वहीं राजस्थान के जालौर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 4 साल की मासूम के साथ उसी के दूर के मामा ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता के माता पिता ने थाने में मामला दर्ज करवाया। तो वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि मासूम की हालत खराब होने के चलते उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी तबीयत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। तो वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी मामा को हिरासत में ले लिया है। कलेक्टर और एसपी मासूम के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब अलवर के बाद राजस्थान के जालौर में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के दूर के मामा ने उसके साथ खेल रही मासूम को अकेला पाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। परिजन बच्ची को गंभीर हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जोधपुर रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता सुरेश धवल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुरेश, जानना चाहेंगे, हालांकि आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर भी बच्ची की हालत अभी कैसी है? और सबसे बड़ी बात यहां पर देखने वाली यह है कि प्रदेश में लगातार नाबालिगों के साथ, महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। अभी अलवर का मामला अभी तरोताजा ही है, उस मामले में भी अनुसंधान जारी है, उसके बाद भी जालौर में इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान तो उठता ही है। क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अमन, देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये जालौर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। जालौर के पास एक वहां की ये बच्ची जो है आंगन में खेल रही थी, 4 साल की वो बच्ची है, और उसके ही मामा ने जो है ये हरकत की है, जिसने जो गैंग रेप इस मामले को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को जो है हिरासत में ले लिया है। फिलहाल अगर बच्ची की तबीयत की बात की जाए तो बच्ची की तबीयत जालौर गंभीर होने के कारण उसे जोधपुर रेफर कर दिया था। बहुत जिला कलेक्टर नम्रता वासनी, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला समेत तमाम जो अधिकारी है वो देर रात तक हॉस्पिटल में थे और बच्चे की जो है हालात की देखरेख कर रहे थे। अगर बच्चे के स्वास्थ्य की बात की जाए तो बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो अब ठीक है। पुलिस की ओर से लगातार जो है अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ऐसे है की आरोपी से पूछताछ की जा रही है और किस तरीके से इसने इस वारदात को अंजाम दिया, किस तरीके से ये करते क्या, इसको लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल सुरेश, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।